हेलो फैमिलीज, वेलकम टू माय चैनल बिग इंफ्रा। मैं अर्पित सेडिया आज आपके लिए लेके आया हूँ 20x20 का एक शानदार सा लग्जरी सा बंगलो। कहने के लिए साइज ये छोटा है, पर इसमें हमने आपको एक हर एक चीज को ध्यान रखते हुए इसको अल्ट्रा लग्जरी रूप में इसको प्रोवाइड हम आपको कर रहे हैं। तो पहले हम चलते हैं अंदर की तरफ, उसके पहले हम देखते हैं इसका एलिवेशन। फ्रंट में आपको यहाँ पर एक बड़ा सा गेट देखने को मिलेगा। इसका साइज जो है हमारा लगभग 8 फीट के आसपास साइज रहेगा। फ्रंट में यहीं पर आपको विंडो देखने को मिलेगी डोभाल की, इंक्लूडिंग से चौखट जो है हमारी ग्रेनाइट की रहेगी। और फ्रंट में यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए, टू व्हीलर फोर व्हीलर पार्किंग के लिए यहाँ पर सफिशियंट जगह है। इसके बाद हम चलते अंदर की ओर। हमारा जो डोर है ये बोथ साइड ओपनेबल रहेगा, अंदर और बाहर की तरफ। इसके बाद आपको यहाँ पर वाटर टैंक देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग टैप वाटर। जैसे मैंने आपको बताया है 20x20 की प्लानिंग में हम आपको हर एक सुविधा दे रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर फ्रंट में आपको सबसे पहले आपको वार्डरोब देखने को मिलेगी फॉर स्टोरेज पर्पस, जिसमें आप अपना दैनिक जो सामान होता है आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं, शूज वगैरह यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और आपको मीटर बोर्ड वगैरह आपको यहाँ पीछे देखने को मिल जाएगा, जब आप यहाँ परचेस करेंगे तो आपके यहाँ पर मीटर बॉक्स यहाँ पर आप उसको लगा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं घर के अंदर की ओर। जैसे कि मैं अब अंदर की ओर आ चुका हूँ, फ्रंट में आपको यहाँ जो माइका लगी हुई आपको चौखट देखने को मिलेगी, जो डबल पताम में रहेगी हमारी, इसमें आप मॉस्कोनेट वगैरह लगा सकते हैं। ये डोर रहेगा, इसका अप्रोक्स जो साइज है हमारा 3.5 फीट का डोर का साइज रहेगा और 6 फीट इसकी हाइट रहेगी। स्टैंडर्ड एसेसरीज है इसमें, रोज गोल्ड में हम इसका हैंडल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और गोदरेज का आपको यहाँ पर लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरलॉक जो है। तो जैसे कि मैं प्लानिंग जैसे मैंने बताया था आपको 20x20 के बंगलो ही बोलूंगा मैं इसको, मकान नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हम इसको अल्ट्रा लग्जरी रूप में इसको प्रोवाइड करा है। तो ये मेरा ड्राइंग हॉल रहेगा जिसमें अभी मैं खड़ा हूँ। ड्राइंग हॉल की साइज की बात की जाए तो 12x8 का हमारा ड्राइंग हॉल रहेगा ये। इसमें हम आपको साथ में फर्नीचर भी दे रहे हैं, ये कर्टन्स जो आपको सब चीजें यहाँ बैक साइड में दिख रही है वो आप सबको आपको यहाँ इंक्लूड मिलेगी। साथ साथ में ये सेंटर टेबल भी रहेगी इसमें। और टॉप पे अगर बात की जाए तो टॉप पे आपको यहाँ पर जो फॉल सीलिंग करी हुई देखने को मिलेगी, जिसमें चारों तरफ आपको पेंसिल लाइट भी लगी हुई है, और सेंटर पे यहाँ पर आपको फैन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरा साइज था 12x8 का। और थोड़ी सी हम टीवी यूनिट की तरफ देख लेते हैं। इसमें टीवी यूनिट आप यूनिट जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं, पर टीवी इसमें हम आपको नहीं दे रहे, टीवी आपको घर से लेके आनी पड़ेगी। इसके बाद फर्नीचर आपका टीवी यूनिट कंप्लीट रहेगी यहाँ पर, और जो इसके कनेक्शंस पॉइंट है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जो आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है टीवी यूनिट को बैकलाइट देने का, जो हम हमारे जो बड़े बंगलोज में देखते हैं नॉर्मली, तो इस 20x20 की प्लानिंग में हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और शोपीस के लिए कॉर्नर पे छोटा सा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स वगैरह या कुछ भी आपको मूर्ति वगैरह इसके लिए रखना हो तो भी देखने को मिल जाएगी। मैं आ चुका हूँ मेरे ड्राइंग हॉल से लिविंग एरिया की ओर। तो ड्राइंग हॉल से लिविंग एरिया में हम लोग आपको क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं ये भी आप देखिएगा। पहले तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिन देखने को मिलेगा जो पूरा कंसील रहेगा, नीचे की तरफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको फर्नीचर से वो पैक करा हुआ है। और आपको यहाँ मिरर जो दिख रहा है आपको ये भी मिलेगा साथ में इसके। देन ये मेरा लिविंग एरिया है, या बोल सकता हूँ डाइनिंग एरिया, जहाँ भी मैं खड़ा हुआ हूँ। 20x20 की प्लानिंग में इसमें हर चीज सुविधाओं का ध्यान रखा है, ड्राइंग हॉल भी दिया है, लिविंग हॉल भी दिया है, और उससे अटैच हमारा किचन भी है, जो आजकल ओपन कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। ड्राइंग लिविंग और हमारा लिविंग और ड्राइंग एरिया जो ओपन रहता है उस कॉन्सेप्ट पे हमने उसको प्रोवाइड करा है। ये हमारा फर्नीचर मॉड्यूलर किचन के साथ में आपको देखने को मिलेगा, सब चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेगी। इसके साथ साथ में चिमनी इनवेयर की यहाँ पर प्रोवाइड है, और जो वार्डरोब वगैरह है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के आपको देखने को मिल जाएंगे। देन इसके बाद इसका बात करें हम इसकी बेसिन वगैरह की, तो जो बेसिन रहेगा इसका इंक्लूडिंग द हमारा रुक जा, इसमें जो आपको बेसिन देखने को मिलेगा वो ग्रेनाइट वाला रहेगा। नॉर्मल आपको एसेसरी देखने को मिलते हैं, पर आपको यहाँ पर हम आपको ग्रेनाइट का बेसिन दे रहे हैं। और जो एसेसरीज जो है हमारी वो आपको हैंडवेयर की यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 4-5 साल की कम से कम आपको निराश रहेगी, इसमें कोई भी आपको मेंटेनेंस नहीं आएगा। इसके बाद रही बात ग्रिल की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ग्रिल बार है हमारा 16mm के बार रहेंगे, और ट्रिपल लेयर में इसके हमने इसको प्रोवाइड करा है। और आरओ का सिस्टम भी इसमें आपको कंसिल करके दे रहे हैं, जो आपको आरओ लगा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा, ये भी इस बजट में इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। और नॉर्मली हम लोग फॉल सीलिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं हमारे किचन में, पर यहाँ पर स्पेशली हमने एक छोटा फैन इंक्लूडिंग फॉल सीलिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में आपको कुछ भी स्टोर करना हो तो टॉप पे कंप्लीट आपको स्टोरिंग के लिए आपको वार्डरोब कंप्लीट मिलेगी, जहाँ पर अपना स्टोर छोटा मोटा आप कर सकते हैं, ये अनाज वगैरह आप इसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं।
एंड रही बात रेफ्रिजरेटर पॉइंट की, तो रेफ्रिजरेटर पॉइंट जैसे मैं आपको बताना रह गया था, रेफ्रिजरेटर पॉइंट आपको, रेफ्रिजरेटर पॉइंट जो है आपका, आपको यहाँ पर प्रोवाइड मिलेगा। इसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर वेंटिलेशन कमी नहीं रहेगी, तो जहाँ भी मैं खड़ा हूँ ये आपका OTS वाला पार्ट रहेगा, जहाँ आपके आप यहाँ पर छोटी सी वॉशिंग मशीन सिंगल वाली और अपने बर्तन वगैरह आप यहाँ इजिली धो सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको 4 फीट 3.5 फीट हाइट की आपको यहाँ पर टाइल्स लगी मिलेगी, और टॉप पे ये डक्ट है OTS हमारा, ओपन है जो इसका है, तो पूरे घर में वेंटिलेशन के लिए OTS और आपका किचन से जो फ्रंट से वेंटिलेशन आ रहा है ये दोनों इंक्लूड रहेगा यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं हमारे अंदर की ओर थोड़ा सा, तो किचन से जस्ट अटैच हमारा लेड बाथ रहेगा, जो कंसील लेड बाथ है हमारा, हैंडवेयर की एक्सेसरीज रहेगी इसमें, और जो मिक्सर वगैरह रहेंगे हैंडवेयर के रहेंगे यहाँ पर, और जो टाइलिंग करी हुई है पूरे बाथरूम के अंदर वो फुल हाइट की 10 फीट की टाइलिंग करी हुई है, और चौखट जो है हमारी यहाँ पर ग्रेनाइट की आपको देखने को मिलेगी, और ये डोर हमारा पैनल डोर रहेगा, साथ में आपको इंक्लूडिंग बेसिन और ये हमारा जो पॉट सीट है वो भी आपको हैंडवेयर की देखने को मिल जाएगी। तो ये मेरा प्लानिंग था इसका कॉमन लेड बाथ का। इसके बाद हम चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर की ओर, उसमें जाने से पहले चढ़ाव के नीचे की बात करें, तो चढ़ाव के नीचे की जगह को हमने कवर आउट करा है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ये कवरिंग करा हुआ है इसको, ताकि आप छोटा मोटा स्टोर जो हो आप यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ ग्राउंड फ्लोर की, अभी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, तो इसमें आपको यहाँ पर ड्राइंग हॉल, लिविंग एंड किचन इंक्लूड रहेगा, और लिविंग और इसका पार्टीशन हमने यहाँ पर माइका से करा हुआ है प्लाई के साथ में। इसके बाद हम चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर की ओर, चौड़ाई की बात की जाए चढ़ाव की, तो 3 फुट चौड़ा रहेगा चढ़ाव, और आपको जो ग्रिल लगी हुई मिलेगी आपको यहाँ पर HS की देखने को मिल जाएगी, जब आप इसको बुक करेंगे तो आपको यहाँ पर HS की रेलिंग आपको लगी हुई मिल जाएगी। इसके बाद हम ऊपर की तरफ आते हैं, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ये सेंटर वाला पार्ट रहेगा, सेंट्रल लॉबी, और इसके साथ में हमारा अटैच लेड बाथ तो नहीं है, पर दोनों रूम के साथ अटैच लेड बाथ आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले बेडरूम से फर्स्ट फ्लोर की ओर, मैं आ चुका हूँ मेरे फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में, जो यहाँ पर भी खड़ा हूँ। साइज की बात की जाए तो 12x10 का साइज रहेगा इसका, 12 फीट ऐसा और 10 फीट आपका ऐसा रहेगा। ये टांड देखने को मिलेगी स्टोरिंग पर्पज के लिए, और टॉप पे आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी इंक्लूडिंग द फैन। और रही बात इसकी वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन वाला पार्ट आपको यहाँ से रहेगा, विंडो वाला पार्ट यहाँ से रहेगा, जिसमें 16mm के बाहर रहेंगे, एक अच्छी क्वालिटी के बाहर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वेंटिलेशन के साथ में। ये जो अभी मैं खड़ा हूँ फर्स्ट बेडरूम के साथ, यहाँ पर हमने ये ध्यान रखा है कि यहाँ पर आपको बालकनी के साथ में अटैच बेडरूम दोनों अटैच रहेंगे हमारे बालकनी के साथ में, कॉमन बालकनी के साथ में। तो ये बालकनी में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर ये बालकनी रहेगी मेरी जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये जो आपका व्यू है वो आपका सामने का जो व्यू रहेगा वो गार्डन व्यू रहेगा यहाँ से। इसके बाद बालकनी साइज की बात की जाए तो 8x7 की हमारी जो बालकनी, जो नीचे जो वरांडा वाला पार्ट था वही बालकनी साइज हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा है, और विंडोज भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर के सेकेंड बेडरूम की ओर, तो ये मैं इसके एसेसरीज की बात कर लेता हूँ इस रूम के, तो नॉर्मल पैनल डोर रहेगा ग्रे कलर में, आपको माइका लगी हुई आपको यहाँ पर डोर मिल जाएगा। इसके बाद मेरे राइट हैंड साइड पे आपको बेडरूम मिल जाएगा सेकंड वाला। तो ये हमारा बेडरूम था 10x10 के साइज का, इसमें भी आपको टॉप पे फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी, इंक्लूडिंग फैन आपको मिलेगा, ग्रिल बार मिलेंगे, और ये जो कर्टन्स वगैरह सब इसमें साथ में इंक्लूड है इस बजट में। बजट के लिए आप मुझे जरूर संपर्क करें। देन इसके बाद ये हमारा है फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड बेडरूम, और इसके साथ में भी जो बालकनी वो अटैच है यहाँ पर इस तरफ, हमने जो आगे पहले ही देख ली थी। इसके बाद हम चलेंगे हमारे सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे क्या दे रखा है वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये मेरा रास्ता है सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, नॉर्मल वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो देखने को मिल जाएगी, और सबसे बड़ी विशेषता है इस घर की ये झूमर आपको फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर से दिखेगा, और पूरी आपको जो टॉप आपका जो टावर का जो एरिया है वो पूरा आपको PVC की फॉल सीलिंग के साथ में इंक्लूड होके मिलेगा, जिसमें चारों तरफ आपको लाइट भी मिली है। और कभी आप छत पे बैठे हैं और आपको यूज करना टॉयलेट वगैरह, तो उसमें भी हमने ध्यान दिया है, यहाँ पर टॉप फ्लोर पे भी आपको इंडियन बाथरूम आपको यहाँ पर लगी हुई मिलेगी, जिसके अंदर आपको बेसिन और फुल हाइट तक टाइल्स भी इसमें लगी हुई दिख जाएगी। ये मैं आ चुका हूँ मेरे टेरेस पे, हाई क्वालिटी का यहाँ पर आपको डोर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद पूरी फिनिश छत रहेगी हमारी, और झूले के लिए एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दे दिया है हमने, ताकि आप
आपको चिल करना हो, आपको चाय वाय पीना हो, तो आप इजली झूला लगा के बैठ सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ द वर्क आप चेक कर सकते हैं, हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, अल्ट्रा लग्जरी घर है हमारा ये। और प्लानिंग की बात की जाए तो 20x20 का प्लान रहेगा हमारा, और साथ साथ में ग्रिल करा हुआ आपको ये रेलिंग देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट फ्लोर पे आपको यहाँ ग्लास पैनल देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये बंगलो पसंद आया हो और इस तरह के बंगलो अगर आपको और देखने हो तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये प्लानिंग अगर पसंद आई हो तो जरूर कमेंट में बताएं कि इस तरह की प्लानिंग आपको और भी चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 20x20 का प्लानिंग जो हमने 2BHK प्लान करा है विद इंक्लूडिंग किचन एंड मॉड्यूलर किचन ऑल्सो, एंड इसमें लिविंग रूम मैंने आपको जैसे बताया है। अगर आपको ये पूरा बंगलो टूर पसंद आया हो तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह के इंटीरियर और प्लानिंग करने के लिए मुझसे जरूर संपर्क करें। थैंक यू।